शहजादी इमकान आप पे राजी हूँ। ज़ाहिर है आज की मजलिस यूँ तो सारी मजलिस ही मेरे आठवें बादशाह से मंसूब है, लेकिन मेरे हिस्से में जो जिक्र आया है वो यकीनन उस शहनशाह से मंसूब है जिसका नाम लेने से ही अल्लाह राज़ी हो जाता। जो रज़ा का माना भी समझ लेता है वो तो बोले ना जी। हाँ, यूँ तो मोहम्मदीन और अलीयीन से भरा हुआ घर है ये। मोहम्मदीन का मतलब है ढेर सारे मोहम्मद, अलीयीन का मतलब है ढेर सारे अली। हूँ तो बोले मत, हूँ तो मैं गल खोल देती। हाँ, मैं कह यूँ तो मोहम्मदीन और अलीयीन से मेहरबानी सर भरा हुआ है, आपकी क्या बात है, भरा हुआ है ये आंगन। लेकिन फिर भी इस आठवें बादशाह को ये एजाज़ हासिल है कि ये अली मुर्तज़ा नहीं, ये अली रज़ा है। मुर्तज़ा वो है जो अल्लाह की रज़ा है, ये खुद ही रज़ा है। शाबाश शाबाश ना जंग जड़े खड़े हो पुत्र बोलो मेहरबानी करो मौला इस तरह। हाँ तो पढ़ना मुझे आठवें मौला पे ही चाहिए और मैं पढ़ना चाहता भी हूँ, लेकिन आते हुए बानियान ने बार बार एक दो मरतबा नहीं तीन चार बार कह दिया है कि ज़ियारात के हवाले से और अज़ादार के हवाले से कुछ 10 मिनट आप करबला से आए हैं तो हमें कोई बात। मैं कोई 10-15 दिन पहले सखी हुसैन के हरम का दीदार करने गया था, आ तो मैं गया हूँ 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक नशा है मुझे ज़मीनी अर्श की सैर का। शुक्रिया यार जी, जी जमीर जी वो यार बहुत मेहरबानी चाचा जी, बहुत 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 शुक्रिया बेटा। जेड़े पिछे बैठे हो थोड़ा जहाँ बोलो हाथ छत जाओ, मैंने लगे तुस मेरे नाल हो। जेड़े अलम कोल खले हो मेरे जिक्र दा वास्ते जिक्र हुसैन दा सदका इतना बोलो पे पढ़न ते दिल करे। मैं क्या जमीन अर्श की सैर का नशा जा ही नहीं रहा, ये खुमार उतरा ही नहीं है, ये खुमार खमीर में चला गया है। शाबाश शाबाश तेरी मेहरबानी भाई। हाय दरी मौला इस तरह देवने मातमी जींदे रहन। जिस बंदे ने सुनना है उन्हें हिसाब ना सुनना भी, औखा पड़ता है सौखा पड़ता है उस हिसाब ना ही बोलना है। मैंने कहा ये खुमार खमीर में चला गया था। अच्छा आज के बाद चेक कीजिएगा, लोगों के दिलों में ना दो बड़े लोगों से मिलने की हसरत होती है, हाथ मिलाने की, दुनियावी हिसाब से दीनी हिसाब से। दुनियादार बड़े बड़े लोगों से भी चाचा जी दिल होता है लोगों का, मैं हाथ मिला लूँ MNA से MPA से PM से CM से किसी बड़े आदमी से हाथ मिला लूँ। बिल्कुल ऐसे ही जिक्र हुसैन में दीनी हवालों से अज़ादार से किसी आलिम से किसी नोह खान से किसी बड़े मातमी से किसी मुर्शिद से भी बच्चे तरस रहे होते हैं यार ज़रा हाथ मिला लें हाथ मिला लें। बादशाह हुसैन का जिक्र है, बावजू खड़ा हुआ हूँ, जिक्र हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ ये आँखें न रहें अगर इन आँखों से नजफ में अली बादशाह के रोज़े पर बैठ के ये जुमला न पड़ा हो कि हुसैन बादशाह की कब्र पर ज़वार पहुँचता है, दोनों हाथ ज़रिए हुसैन से मस करके पलटता है, नबी कतार बना लेते हैं ज़रा हाथ मिला लेते हैं। पुत्र जीवन ओ झंगाले ओ कोडिया नस्ला जीवन ओ जड़े हलाली पुत्र खलोते हो जदे अंदर है अली ओ बोले हाय दरी। सारे 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 बोलो जीवन जी जी वो बोल पे गया कुरान की कसम शायद अल्लाह हू अकबर जी चाचा जी दुआ करे आचा की लो से झंगावण दा झंग पड़न दा अंबिया कतार बना लेते हैं। बेटा ओ पुत्र मैनू वेख मैं तेन वेखना तू तो वेखना अंबिया कतार बना लेते हैं हुसैन के जाहिर से हाथ मिला ले। क्या क्या बताऊं कितना रुतबा है जाहिर कब्र हुसैन का, कितना रुतबा है अज़ादार हुसैन इब्ने अली का। शायद इन्हें बच्चे चाचा जी ना सुने हो तो सुने हो सी अल्लामा अबुल हसन साहब की बुला हुआ करते थे, कृष्ण नगर में नमाज पढ़ाते थे, सिपाही मोहम्मद से बिलोंग था उनका और फिर ईरान चले गए थे। मैं तिल्ला ज़ैनबिया खमसा पढ़ रहा था, बेटे ओ मेरा पुत्र मैं तेन मुतवज्जे करता बेटा जी तू खेलना खुदना आया तो बात हो जा
मैं तेन मुतवजे करदा तू कदे उधे वेखना है कदे इहदे नाल खेडदा है मैन सुन बेटा जे नहीं सुनना तो बाहर जा चलो मैनू वेखो तिले दिन पिया खमसा पढ़ रहा था मैं चौथी मजलिस पे किबला ईरान से तशरीफ ले आए मजलिस खत्म की मैंने मैं आजादार पे मजलिस पढ़ रहा था जवार पे मजलिस पढ़ रहा था ज़ियारत कब्र हुसैन के फजाइल बता रहा था मैं मजलिस छोड़ के उतरा मुझे कहने लगे जो जवार तुम्हारे साथ आए हुए ना इनसे कहो जब हरम में चलते हुए अगर इन्हें बैनुल हरमैन चलते हुए गर्मी से पसीना आ जाए ना तो पसीना यूँ ज़ोर से ना फेंका करे यूँ आराम से पढ़िया था मैं बहु में पूरी जिंदगी झंक पर मेरा तेरा वादा हो गया जिस कान तक के जुमला चला गया ना कि कब्र तक वो मंदा अपने दिल दे इमाम बाड़े दाद ना देवे तो बात फायदे को नहीं इमाम हुसैन की ज़ियारत करके आवण दा ते जुमला सुनाण वाला मैंने कहा किबला फेंकना तो पसीना है यूं भी पसीना और यूं भी पसीना क्या लगा ना एहतराम से जवार को चाहिए कि बैनुल हरमैन चलते हुए जो पसीना आता है उसे भी वो कतरा कतरा एहतराम से फेंके ये आम पसीना नहीं अल्लाह इससे फरिश्ते बना रहा होता है बोल सकते हो तो वाजिब है करबला ने सदका बोलो लेना बोल सकते कोई गिला नहीं इतो थोड़ा पे बोल दो सारे हाथ उच्चे करो हाय दरी मैं बिस्मिल्लाह कर जी भाई जान राजी जिंदगी देवी शिफाओं ने मुल पै गया एक जुमला हो रखा हाँ झांका ले जल्दी तो कोई ना मैनू भी कोई हाँ हाँ अभी बंदा इरादा करता है कब्र हुसैन पे जाने का जाता नहीं कल नहीं परसों नहीं आज इस बंदे को मेरे जुमले का हवाला दरकार होगा नौकर आज देगा अभी बंदा बादशाह हुसैन के शहर में जाने का मेरे मोहतरम इरादा करता है दिल में सोचता है कि बस मैं अब ज़ियारत पे जा रहा हूँ मासूम फरमाते फतह बशरत मलाइका तो मैंने समा आसमान से फरिश्ते उसका नाम लेके उसे मुबारकबाद देते हो फुला इब्ने फुला तेरा बख्त है हुसैन ने तुझे अपने शहर में आने के लिए चुन लिया हाय 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 करोड़ वारी शुक्रिया इन हाथों का सबीर जी बेटा जी जुग जुग जीवो यार नसला जीवन झांका लिया थोड़िया सोना करके सारे सारे जवान रल के बोलो हाय गरी शाबाश बेटा बहुत शुक्रिया बेटा आप ऐसी 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 वैसी फजाइल भरी मार्फत भरी बातों पे बोलना शुरू कर दो ना मिंबर से वलगर खत्म हो जाएगा ये जो गैर महजबाना जुबान कभी कभी इस्तेमाल करता है ना कोई भी बंदा वो इस डर से करता है कि लोग दाद नहीं दे रहे होते इस घबराहट से करता है अगर आप अच्छी बातों पे बोलना शुरू कर दो ये घबराहट ही खत्म हो जाएगी गाजी तो इस तरह दे बेटा बड़ी मेहरबानी क्या कहा है मैंने किसी के जहन में हो किसी बंदे को जुमला याद हो शाबाश पसीने से फरिश्ते खलक होते हैं ये पिछला जुमला था चले शुक्र है आपको याद है फतह बशरत मलाइका तो मिनस समा आसमान से फरिश्ते उसका नाम लेके उसे मुबारकबाद देते हैं कुछ नहीं तो डेरा गाजी खान से बढ़ के मैं निकला हूँ भाई सजाद और अब तक कुछ 15-16 फोन तो इसी झंग झंग से आ चुके हैं मुझे किस ले आ रहे हो पढ़ना नहीं ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं हुसैन के जाकिर का प्रोटोकॉल है जाकिर हुसैन आ रहा है भाईजान ये उसका प्रोटोकॉल है वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह मासूम फरमाते हैं हुसैन का जवार घर से निकलता है करबला जाने के लिए वकल अल्लाह भी अरबईन अल्फ मलकिन अल्लाह 40,000 फरिश्ते को उसके प्रोटोकॉल पे लगा दे जी बचड़ा जीवो जी जीवो जी जीवो सारे बोलो हायदरी गाजी देवनी इन्हें हथा नहीं खैर हो मौला भाई शहबाज में शिफा था फरमाना इस जिक्र का सदका अल्लाह 40,000 फरिश्ते को उसके प्रोटोकॉल पे लगा देता है जवार को लेके फरिश्ते कब्र हुसैन पे आ जाते हैं पहला जुमला चाचा जी इस 10 मिनट की दाखरी जिहदा ताल्लुक मेरे इलम नाल नहीं मेरी अदबियात नाल है जिहड़ा बंदा अदबियात का कायल है ना उस बंदे नाल मेरी गल है भी ये तरला ही ने बहु पढ़िया मैं जंग ये जुमला जाया ना हो जाए फरिश्ते कब्र हुसैन पे पहुँचते हैं आसमान की तरफ मुंह करके मालिक जवार आ गया हम वापस आए
अल्लाह फरमाते हैं कब्र हुसैन से आने पे दिल हो तो आ जाओ। जी वो क्या बात है ओ झंगा ले, क्या बात है ओ झंगा ले ओ पुत्र जी मैं तुहाडे जेड़े हलाली बच्चे खड़े हो सामने बोलो बेटा हाय दरी तेरे सुनन दी क्या बात है बेटा। वाह 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 दिल करदा मैं तुहानू दस दियां कुरान सो एडे औखे जुमले एडी वड्डी दात खालिक फरमाता है कब्रे हुसैन से आने पे दिल है तो बेटा साईं माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे आप नौजवान हो इतना खूबसूरत बोले हो। पूरी कोशिश करना मैं एक जुमला आपकी वजह से कहने लगूँ। कोई खुशामद नहीं बेटे हो मेरे मेरे बच्चों की जगह हो इतना खूबसूरत बोले हो इस मुश्किल जुमले पे मेरे अंदर का उर्दू वाला जाकिर राजी हुआ है। लो मैं एक जुमला कहने लगा हूँ 33 साल के मुताले की कसम है अल्लामा जाफर शोसी से लेकर अल्लामा नकदी तक मुताला कर कर करके मैं एक जुमला कहने लगा हूँ करबला तारीख इंसानियत का वाहिद टुकड़ा है जहाँ जिन्नात जाने पे राजी नहीं थे अब नबी आने पे राजी नहीं। हूँ जरा नहीं बोल सके आदरान पीर मेरे वास्ता करे मेरे तो नाराज नहीं होना उस बंदे जिन समझ नहीं आई तेरे सामने खले हो तुसा जरूर मेहरबानी करो भाई। अल्लाह अकबर तुहाडियां नसरां जीवन यार तुहाडे पुत्र जीवन यार हाथ दो में उच्चे हाथ दो में उच्चे हाय दरी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। करबला तारीख इंसानियत का पहला और आखिरी टुकड़ा है जमीन का जहां जिन्नात जाने पे राजी नहीं थे अब अंबिया आने पे राजी नहीं है। हाँ मासूम फरमाता है करबला जाके देना कि ना करो जो सवार बैठे हो सिर जाओ तो जेड़े नहीं जा सके दुआ करो मौला तुम बुलान जींदिया जन्नत वेखण का सवाद ही हो रहे हाय हाय। हाँ हाँ जींदिया जन्नत जाके वेखो सवाद ही हो रहे। अल्लाह अकबर मौला इस तरह नहीं भाई बड़ी मेहरबानी तेरी क्या बात थी क्या बात है। मासूम फरमाते करबला जाके दिन ना कि ना करो 6 दिन हो गए ने 7 दिन हो गए ने 8 दिन हो गए खबरदार 8 दिन रहो या 60 दिन रहो। मासूम फरमाते जितने दिन करबला में गुजारोगे वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं कटेंगे वो तुम्हारे दिन ही नहीं वो हुसैन के दिन। सच्ची दसो यार झंगा लिया उन्होंने नौ बोले चौखी गल के आई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी जी आदत पीर लख वारी बिस्मिल्लाह दान भाई करोड़ वारी बिस्मिल्लाह उस बंदे ने इस गल से बोलिया सारे बोलो बस ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा जी याद तो इस गल से नारा लाना ना आई या वह तू जवान है पुत्रों की जगह तेन जिक्र हुसैन की कसम ही जो मेरा अगला जुमला समझ आ मैं तो जरूर बोली भावे पूरा शहर ने बोले तू कला बोले मैं राजी हाँ मैं जिक्र हुसैन के हाथ रखी खिला मौला कदम हैदराबाद मैं कुछ 4-5 रात पहले रात के 1-1.5 बजे 45-45 हज़ार बंदे खड़ो के सेंधे जुमला पड़े है तो नशा हो गया जुमले की दाद का गाजी का वास्ते ने जुमला समझाए। मासूम फरमाते जवार को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी के दिन 18 साल 2 महीने 2 दिन हैं। आज़ादार हुसैन को खबर हो जाए कि उसकी ज़िंदगी 18 साल 2 महीने 2 दिन है 18 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के आखिरी रात कब्रे हुसैन पे चला जाए होटल में नहीं सराय में नहीं करबला के किसी मैदान में नहीं करबला के किसी बाजार में नहीं तहत कुब्बतुल हुसैन जहाँ हुसैन का रोजा है वहाँ पहुँच जाए। मासूम फरमाते फिर कयामत तक रहे मौत नहीं आएगी। नहीं बोलिया वो तो बोलते ही नहीं होना वह मक्की जिमें भरा जिमें जीवो सफीर जी मुर्शिद जी 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 सलाम ही शाबाश छाला इन्हें हथ की खैर हो जड़े आराम तले खले हो जी बेटा छाला थोड़े हथ की खैर हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मासूम फरमाते फिर कब्रे हुसैन पे पहुंच जाए तहत कुब्बतुल हुसैन आ जाए
फिर कयामत तक रहे। बेटा क्विकली ये मुझे दे दो, फॉरवर्ड कर दो, शाबाश। अच्छा, फिर कयामत तक रहे, मौत नहीं आएगी। ये दुआ है तमाम बीमारों के लिए, किसी बच्चे ने भेजी है, मौला उनकी दुआ कबूल फरमाए, मौला उन्हें शिफाए को लिया था फरमाए। मुझे देखना, मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मेरे अंदर के शौकत शौकत को ऐसे लग रहा है जैसे मुझे पर लगे हुए हैं और मैं करबला ही पहुंच गया हूं। अब मैं तुझे जवाब सुनाऊं तेरे छठे मासूम का और फिर देखूं कि इसके अंदर कितनी बर्दाश्त है। फजाइल आले मोहम्मद सुनने की बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा यबन रसूल क्यों कब्रे हुसैन पे पहुंच जाए तो मौत क्यों नहीं आएगी? फरमाया मौत सख्ती का नाम है, सख्ती का फरिश्ता कब्रे हुसैन पे आता ही नहीं। जी भाई सजा जी जी दादा जी जी नस्लां जीवन तोड़िया और झांगा ले जी वो हाथ उच्चे 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 हाय दरी अल्लाह हो अल्लाह हो सारे सारे हाय दरी। आप जियो बेटा, फरमाया मौत सख्ती का नाम है, सख्ती का फरिश्ता बिस्मिल्लाह करा, कब्रे हुसैन पे उतरता नहीं है। जवार अपनी मर्जी से रहे, जब जवार का दिल करे कि वो वापस जाए, फरिश्ते कहते मालिक वो वापस जा रहा है, हम भी वापस आए। अल्लाह फरमाते हैं करोड़ों हैं तुम जैसे मेरे पास, इसे घर पहुंचाओ। एक खौफ है चाचा जी, जो निकल गया ना मजलसा की तहारा तो मैनी है, जो औखिया गलों से बंद बोलना शुरू कर दिता ना, मैंने इसका वजन ही को होर हो बहना है। करोड़ों है तुम्हारे जैसे मेरे पास, इसे घर पहुंचाओ। चलो अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे। एक जुमला मैं बुजुर्गों तो सुनिया, किबला काबा सरकारी अल्लामा नसीम अब्बास साहब मरहूम मकफूर मौलाना दर्जात बुलंद साहब, कैसे कैसे वे लोग हैं साढ़े को। 25 दिसंबर आई तो नसीम साहब किबला तो मैं कट्ठे मुल्तानों पर वह से लाहौर, 21 फ्लाइट तो करबला गामे शाह साहब पढ़ना आई, शमशियाँ की मजलिस होंगी 25 दिसंबर। तो मेरे को मेरे हाथ किताब आई बादशाह हुसैन की जियारत के सवाब से, वह मैं किताब पढ़ता जाता तो मैं जहाज इक्की जगह पर बह गया से, तो मैं एक जुमला पढ़िया भाई, जाहिर पहचाने न पहचाने उसके मुकद्दर की बात है, हुसैन जवार को मिलते ज़रूर हैं। इस तो उत्ते मैं दाद की हूँ लौड़ ही को नहीं रही, कुरान सुन झांगा लिया शौकत दादा हक अदा कर देता है जी, ना सिर्फ बिरा बहुत तो सही ना इस गर्मी तो नहीं जिमें तू बैठा। हाँ गल समझ आई कि नहीं आई? जवार पहचाने ना पहचाने, उसकी आंख में नूर हो ना हो, ये एक अलहदा मौजू है। हुसैन जवार से मिलते जरूर हैं। चाचा जी मेरी पूरी जिंदगी की जाकरी एक पास है, आगा साहब किबला मरहूम का एक जुमला एक पास है, मैं जुमला पढ़िया तो मैं नसीम साहब किबला के पैरों से हाथ रख के मैं कह जी ये कभी कभी ना किताबों में अजीब जुमले हो जाते हैं, समझ से बाहर हो जाते। कहने लगे क्या हुआ बेटा? मैंने कहा जी इसमें लिखा हुआ है कि जवार पहचाने न पहचाने, हुसैन जवार से मिलते ज़रूर हैं, ये अजीब नहीं लग रहा? कहने लगे नहीं मुझे तो अजीब नहीं लग रहा, ये तो आदाब की बात है, मेज़बान पे वाजिब है वो मेहमान से मिला करे। सदके जावा और शाला इन हाथों की खैर होगी, खोल मेरा बचवा हाथ खोल। हाय दरी अल्लाह अकबर। मौलों ने दर्जात बन सर, मालिक उन्होंने दर्जात बन सर। अल्लाह अकबर। कहने लगे तो आदाब की बात है, बिस्मिल्लाह करा बेटा, जुग जुग जीवो, तुहाड़ी क्या बात? कहने लगे तो मेज़बान पे वाजिब है कि मेहमान से मिले, तुहाड़े सुनने की क्या बात? जवार को घर पहुंचाओ, ये अज़ादार भी है, ये जवार भी है। बंदा अज़ादार ना हो तो करबला कैसे जाता है? पहले अज़ादार होता है फिर जवार होता है, ये अज़ादार भी है, ये जवार भी है, इसे इसके घर छोड़ के आओ। जाहिर कपरे हुसैन को घर पहुंचाते हैं फरिश्ते, मालिक वो घर अंदर चला गया, हम वापस आए। अल्लाह फरमाता फिर वही बात समझाया नहीं,
करोड़ों हैं तुम जैसे मेरे पास, फिर हम वापस आए क्या करोगे, करते क्या हो यहाँ आके? मालिक हम में से कोई सजदा करता है, कोई तस्बीह करता है, कोई तकदीस करता है, कोई तहलील करता है। अल्लाह फरमाता है बस यही काम करना है कि फू बेबा बे अब्दी, मेरे बंदे के दरवाजे पे बैठ जाओ। तुसा जी वो तुहाडे बचड़े जीवन, तुहाडियां नसलां जीवन, पूरा जंग जीवे, जंग दा मेयार जीवे, ये हलाली पुत्र जी में बोलते पैने चंगी मावां दे पुत्र जीवन। क्या बात है, केडी औखी मेरे से, क्या दात दा मेयार है तेरे बोलण दी बेटा, क्या बात है के फू बेबा बे अब्दी, हाय दरी के फू बेबा बे अब्दी, मेरे बंदे के दरवाजे पे बैठ जाओ। फसब होनी वक़्त दसूनी वहलोनी, तस्बी करो, तकदीस करो, तहरीर करो, करो तुम वक्त अबू जाले कफी हसनाते ही, लिखो इसके खाते में। पहली बारी अद्धे घंटे च मैनू उस बंदे तकलीफ हुई है जरा शिया माँ का पुत्र ही नहीं बोलिया, सलाम है साथ नू मौला तुम इस तरह देवन जी, ये नमाजी चेहरा सलामत रवे। फसब होनी वक़्त दसूनी वहलोनी, तस्बी करो, तकदीस करो, तहलील करो, वक्त अबू जाले कफी हसनाते ही, लिखो इसके खाते में, करो तुम, आए तस्बीह तुम करो, तकदीस तुम करो, तहलील तुम करो, लिखो इसके खाते में। मालिक कितने दिन, अल्लाह फरमाते ला यौम वफाते ही, ये लुत्फ है ना जंग बनन दा, तर्जमा ही नहीं करना पिया, ये मजा है ना जंग बनन दा। अल्लाह अकबर, अफला सज के बारगाह हुसैनी का सलाम करने चला, पलकों से इचकेलियां करते हुए बैनुल हरमैन अकीदे का सजदा शुरू हो गया। हाय दरी, मैं सखी हुसैन के दरवाजे पे पहुंचा, वसीम जैदी साहब हमारे एक बड़े मेहरबान हैं, बाबा हामिद शाह जी हमारे एक दोस्त हैं, बखर से दोस्त के हैं, बुजुर्ग हैं, मेहरबान हैं, उनके कज़न हैं वो, उन्होंने उन्हें भेजा हुआ था भी शौकत आ रहा है, वो जितने दिन वहाँ रहे उसकी मेज़बानी तुम करना। मोहसिन नकवी साहब वहाँ एक शायर हैं, करबला में ही उनकी बर्थ हुई, करबला में ही रहे, सद्दाम दौर में वो पाकिस्तान चले आए थे, हालात ख़राब थे, यहाँ सहीवाल में रहे 10 साल, फिर अब वापस चले गए, शायर बड़े अच्छे हैं, वो दोनों मेरे मेज़बान बन गए और मुझे ले के बादशाह हुसैन के हरम की तरफ चल रहे थे। सामने जब दरवाज़ा आया ना तो मैं रुक गया, मैंने कहा यार वसीम जैदी, मोहसिन नकवी नाराज़ ना होना, एक बात मैंने मौला से करनी है, एक बात तुमसे करनी है, फिर अंदर जाना है। उनका जी बिस्मिल्लाह करो, यूं बादशाह के हरम के दरवाजे पे कपड़ा गले में डाल के मैं खड़ा हो गया, यूं हाथ बांध के मैंने कहा बस तेरी करीमी का ये एहसान बड़ा है, मुझ जैसा गुनाहगार तेरे दर पे खड़ा। हाय हाय हाय, तुहाडी क्या बात, तुहाडे सुनन दी क्या बात, तुहाडे बोलन दी क्या बात। मैंने कहा बस तेरी करीमी का ये एहसान बड़ा है, बस तेरी करीमी का ये एहसान बड़ा है, मुझ जैसा गुनाहगार तेरे दर पे खड़ा है। ते बंदे जाते जेड़े लखनऊ दे अन्ना ते मैं चौथा मिसरा जदों पढ़िया उत्थे हो गई पहले सुआकर, यही पढ़ते रहो भाई, भाई सारी रात यही मिसरा, सारी रात यही मिसरा पढ़ते रहो, बस तेरी करीमी का ये एहसान बड़ा है, मुझ जैसा गुनाहगार तेरे दर पे खड़ा है। काफले की तरफ देख के हाथ बांध के मैंने कहा मेरी बात को जाया ना करना, राह देख के आदाब से इरफान से चलना, क्यों आदम कहीं ईसा कहीं दाऊद पड़ा। करोड़ करोड़ सलाम है झंग तेरे में आ रू, यदि अंदर वस्त अली वो बोले हाय दरी, लखां साल जी, लखां साल जी, लखां साल जी, तुहाडी क्या बात, बस तेरी करीमी का ये एहसान बड़ा है, मुझ जैसा गुनाहगार तेरे दर पे खड़ा है। जियारत करके मैं उल्टे कदमों वापस हो रहा था, वसीम जैदी मुझे कहते शौकत भाई मौला हुसैन के हरम में दाखिला पहली जियारत, और पता नहीं तुमने क्या क्या दुआएं की होंगी, एक अज़ादारों के लिए मुश्तरका दुआ तो कर दो, मौला के जाकिर हो। बेटा बोलो नहीं, बोलो नहीं, मेरी माँ तेरी बड़ी मेहरबानी, अज़ादारों के लिए मुश्तरका दुआ तो कर दो। मैंने कहा अज़ादारों से पूछ लो मैं जो दुआ करूँ उस पर राजी होंगे,
कहने लगे क्या मतलब, मैंने कभी अपना अपना जरफ है अपनी अपनी बचत है जी दुआ मेरे मुँह से आई है जी बर्दाश्त करन तो मैं करा। उन्हें आख्या कर। मैंने कहा मेरे मौला इसी लम्हे में कयामत कर दे। हाय 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 जीवो जरा हाथ होनी नहीं उठे आ लेना उदा की में आ रहे किस किस गल से दाद देंदा मैं नहीं समझ आई। जी पुत्रा हूँ जी बेटा जी 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 बेटा जी जीवो। मैंने कहा मेरे मौला इस इलम है में कयामत कर दे। मेरे मौला इस इलम है में कयामत कर दे। मेरे मौला इस इलम है में कयामत कर दे। मेरे मौला जाफर तहर साहब जैसे बंदे नाल बहाने वाले बंदे ने बयान ना एक अरमान में लिखे है उदी मैंने कीमत ले जो जंग ले तू मेरे मौला इस इलम है में कयामत कर दे वरना मर जाने का अरमान ही रह जाएगा। जी बाबू जी बाबू जी जी वो मेरे मौला इसी लम्हे में कयामत कर दे। मेरे मौला इसी लम्हे मौला हो रिश्ता ने उन्हें भाई। मेरे मौला इसी लम्हे में कैशाला साथी खैर हो भी भाई। मेरे मौला इसी लम्हे में कयामत कर दे वरना मर जाने का अरमान ही रह जाएगा। खाले के खाके शिफा की जो जियारत कर ली अब तेरी खुल्द में भी खाक मजा आए। जिन दो बारी खाक ही नहीं समझ आई ओदे कोल की दाद लेना। अंकल जी 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 वो बेटा जी बेटा बहुत शुक्रिया शाला साथी खैर होगी जुग जुग जी में मेरा पुत्र खाले के खाके शिफा की जो जियारत कर ली अब तेरी खुल्द में भी। बस गुफ्तगु तमाम हो गई पड़ गया मैं निकल रहा हूँ दरवाजे पे हूँ उल्टे कदम वापस आ रहे थे जैसे किसी शहनशाह की दरबार से बंदे निकलते हैं। लखनऊ से जो काफिला आया हुआ था उनमें से एक साहब आगे बढ़े कहने लगे क़िबला आपके बारे में सुना है आप फिलवदी शेर कह लेते हैं ये मौला के रोजे की फ़जा आपसे क्या कह रही है इस माहौल से आपको क्या महसूस हो रहा है। मैंने कहा यार मुझे तो यही लग रहा है किसी अंधेर नगर में उतर गया है यजीद। जी भाईजान जी जी भाईजान जी ए नमाजी मथे ए नमाजी चेहरे सलामत रामा सलाम है ना बुजुर्गों जी बेटा जी जी मेहरबानी तेरी गाजी इस तरह में मेरे पुत्र जोग जोग जी वो हो गई नौकरी इतना ही पढ़ना ही राजी रहे भाई मौला बस रखने राजी रहे बेटा। मैंने कहा किसी अंधेर नगर में उतर गया है यजीद ए अल्ताफ तो लैके दरवाजे वाले आखिरी बंदे थे तरला प्या करदा झांगा लिया उत्ते 30-34 साल हो गए थोड़ी नौकरी कर दिया जेड़े बंदे उर्दू अदब सुन लेंदे हो जरूर भुलिया। मैंने कहा किसी अंधेर नगर में उतर गया है यजीद कदम कदम पे लगे है कि मर गया है लगे है हाँ हाँ कहाँ पढ़ूँ ये लगे है जहाँ से दाद मिल जाए वो शहर बताओ मुझे। किसी अंधेर नगर में उतर गया है यजीद कदम कदम पे लगे है कि मर गया है यजीद और ये आ रही है सदा बादशाह के रोजे से जमाने ढूंढ के ले आ किधर गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुनते क्या कहना। अच्छा चल चार में से और सुन ले जियो तब जियो सही चार में से और सुन ले खुदा के चैन मोहम्मद के चैन जिंदाबाद खुदा के चैन मोहम्मद के चैन जिंदाबाद खुदा के चैन। अपने आप को मलामत करेगा वो बंदा जो चौथे में सिर्फ चुप कर जाए यार मैं बैठा क्यों है। खुदा के चैन मोहम्मद के चैन जिंदाबाद जली के दीन पे सरवर के दैन जिंदाबाद। कोई यजीद को गर करबला में ले जाए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जेड़े हुसैन आले हो जेड़े जिंदाबाद आले हो जिन्हें मजहब हुसैन जिंदाबाद हो बंदे बोलो मेरे नाल जिन्हें हाथ ही हुसैन की मलकियत हो बंदे हाथ जाओ हाय दरी जी तो हमें की हुक्म किया
दो रुपया मैं सौ रुपया बना ये कड़ी गल तू सुनदा तो मैं पढ़दा वा ये सवाल क्यों वेखी बाबू इन्हों का भाई अख तेरी भी इसे दे आई ठीक है जी एक कदम का फासला भी ज़्यादा नहीं है सफ़ा मरवा और गाजी और हुसैन के हरम के दरमियान जो फासला है एक कदम भी कम या ज़्यादा नहीं है गाजी इस तरह दरूद पढ़ते मिल के बुलंद आवाज इो सफीर आखना है मैनू ये उतु च आख्या मैं भजन को मौला रजा तो रुबई पढ़ो अच्छा मौला वस्ता रखी चल मौला मेरे मौला की आज भी ईरान में मेरे मौला के दरबार पे जो नजराना इकट्ठा होता है ईरानी हुकूमत किसी बड़ी हुकूमत से चंदा नहीं लेती कर्जा नहीं लेती और मेरे मौला के दरबार का वही नजराना जो है वो कर्ज लेती है और हर मुश्किल कुशाई हो जाती है सात अरब हुकूमतों की मालियत के हीरे जड़े हुए हैं मेरे बादशाह के दरबार में ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हाशी आराई नहीं कर रहा लिखा है तारीख ईरान ने इस जुमले को कि सात अरब हुकूमतों की मालियत के हीरे जड़े हुए हैं मेरे मौला रजा के दरबार में किसी भी बादशाह का ये पहला दरबार है जो पिछले 52 साल से तामीर हो रहा है मेरा आखना आसान है तुहाडे गल सुनना आसान है जरा अंदाजा करो भी एक घर है जरा 52 साल तो बनता पाया तोसी हो रही है हर साल तोसी हो रही है कोई नक्श कोई निगार कोई कोना किसी जगह पे कोई ना कोई काम हो ही रहा है इतना अमीर है और जाने वाले सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या गरीब जिया का पर्दा हो चाचा क्या बात है वाह 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 क्या बात है गिन के चार से पाँच मिनट लेने हैं तुम्हारे तुम्हें अंदाजा ही है मैं इतना ही पढ़ता हूँ मसाहब ताबूत है बादशाह सामने से अब मैं कहूँगा ताबूत दरवाजे तक जहमत कीजिएगा ले आइएगा लेकिन मैं कहूँगा फिर सामने लाइएगा ले आएँ आप गली के मोड़ पर ताबूत जिन लोगों को लाना है लेकिन मैं चार पाँच मिनट पढ़ूँगा जल्दी ना करना तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये कौन सी रात है चाचा जी मजलिस तो बात बंदे गल्ला करते जी सख्त पड़ गया मैं तुसी दसो मैं की पढ़ा तीसरी रात है गरीब को जहर मिला हुआ है जी बेटा जी 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 मेरे पुत्र खदा ना रोवो हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ मैं शिया मज़हब की 8 से 10 किताबें पेश करूँगा जितनी देर भी रो लो जितनी देर भी मातमदारी कर लो आखिर किसी वक्त जाके तुम मातमी सो जाओगे ये मेरे हाथ बदले नहीं मौला की कसम मैं नहीं सोया पूरी रात गरीब लोगों ने और मेरी माशाल्लाह पर्दा सलामत होगी सलाम है तेरे इस गिरिए ने तड़पते हुए रात गुजारी है गरीब ने मुन्ने शाह अगर मैं 5-6 मिनट ज्यादा पढ़ लवा इजाजत है पता नहीं क्यों ये चाचे और हाय सुन के मेरा दिल कर गया मैं ये मजमून किसी होर रंग च पढ़ता हूं ना चाचा जी मेरा दिल कर गया मैं उस रंग च पढ़ा मौला की कसम में थोड़ी हाय मैंने मजबूर किया चार बहने खानदान अहले बैत में ऐसी हैं जो भाइयों के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी बंदा वो वड्डा जाए हूँ हाथ नहीं मारे आराम शाह बुजुर्गों की जिंदगी चार बहने मैं आख्या तारीख अहले बैत में खानदान अहले बैत में ऐसी है जेड़े मातमी बैठे हो अगले जुमले से तुम इमाम रजा की गुरबत की कसम में हाथ मारना है जिन्हें मातमी बैठे हो जेड़े मातम ना करते कोशिश करे हंज आ जाए जिन्हें हंज ना आवे कोशिश करे रोमन की शक्ल बन जाए सवाब हो जाएगा चार बहने इस खानदान में ऐसी थी जो भाइयों के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी भाइयों के साथ जीना तो बड़ी दूर की बात है चारों में से किसी बहन को भाई के शहर में कब्र की जगह नहीं
अल्लाह मेरिया भैन शाला पर अल्लाह अकबर। नाराज ना होना, ये जो बेटियां बैठी हो ना बेटा, ये मर्द मातम करे ना करे तुम जरूर करना। तुम्हें खुद नहीं पता कि आज कौन सी रात है। सारा साल हुसैन की बहन तुमसे भाई का पुरसा लेने आती है, आज रजा का पुरसा लेने आई है। आज शाम की मलका तुम में बैठी हुई रजा का मातम कर रही। मैंने वेखी पुत्र जिंदगी का केड़ा पता है। मैं उसे गुरेज तो मुका देनी है, तुसा हाई की थी, मेरा दिल कर गया। मैं थोड़ा जहा मजमून इस रख नाल पढ़ लवा। पहली बहन शाम की मलका, अली की आलिया बेटी, भाई के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी। हर बंदे नु आज अच्छा मौत आ जानी है। अदनान इमाम हुसैन दी इज्जत दी कसम है, मैं बैनुल हरमैन खड़ो के ए पिछले हफ्ते की गल है, ये जुमला आखे है, कुरान मजीद गवाए, कूड़ मारन वाले तो सुबह शाम तबर रहे, हालत ये हो गई बे बंदिया करबला पानी बदे पीवेंदे भी हो की है। ये गाजी का हरम है, ये हुसैन का हरम है। मैं दरमियान में खड़ा था, एक तरफ गाजी का रोजा था, एक तरफ हुसैन का रोजा था। मैंने दोनों हाथ बांध के इधर उधर देख के मैंने कहा दोनों सरदार भाई हो, नाराज ना होना, यही कहीं दरमियान में बहन को भी कब्र की जगह दे दी होती। हरामजादों का शहर था, बेगैरतों का मजमा था, शराबियों का हजूम था, शराबी नाच रहे थे, बेगैरत पत्थर ते नहीं आता मातम, ओ का ना करे जिन आता है मातम, ओ जरूर हाथ मारे। हाँ ना सर, जिंदगी हो भी जी ओ मातमी। अल्लाह अकबर, के हालत हो गई है जी। जी बेटा, जी बचड़ा, भाई के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी अली की बेटी, ये पहली बहन है। पढ़ा, दो मुहर्रम को हुसैन पहुंचे हैं करबला, जा एहतजाज पढ़। पहला एहतजाज अब्बास ने किया, ये कोई अली की बेटी के रहने की जगह है। मुहर्रम आ रहे हैं, जाकर तन तैयारियां सुनानगे, यहाँ खेमे लगाने का मुझे हुक्म तो दे दिया, मैंने तेरे हुक्म पे लगा भी दिए, ये कोई आलिया के रहने की जगह है। हुसैन ने कहा अब्बास इधर आ। गाजी करीब आया, अली के लाल ने उंगली से ना जन्नत बनाना शुरू कर दी। अब्बास यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ तू सोएगा, मेरे सीने पे मेरा असगर होगा, मेरी दाई करवट पे मेरा अकबर होगा, यहाँ कासिम होगा, यहाँ वो वहाँ ओन होगा, वहाँ मोहम्मद होगा, वहाँ मेरा एक मेहमान हुर होगा, वहाँ मेरा हबीब होगा, यहाँ मैं 8 दिनों में जन्नत बना दूंगा, 10 मुहर्रम को यहाँ जन्नत बन जाएगी। हुसैन अब्बास को नक्शा बना के दिखाता रहा, अल्लाह जाने किस लम्हे में बहन सर पे आके खड़ी हो गई। जेड़े बंदे शिया माँ दे पुत्र हो, हाथ जरूर मरे है सीने पे बाकी दी अपनी मर्जी है, सुनी फिरा है चकरे तो काफी है। इधर हुसैन ने जन्नत तमाम की, उधर ऊपर से अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन तेरे शहर में एक कब्र की जगह होगी। भैया तेरे इतने बड़े शहर में इतनी मातम दे नहीं आता, सिर तले कर ले जिन आता है हाथ मारे। जी जी जी, ओ शायद कदा ना रोवे, इो हक ही बेटा, जिमें मातम कीते ना सिर ते, इो हक ही। हुसैन तेरे इतने बड़े शहर में एक कब्र की जगह और नहीं बन सकती, बहन को भी यहाँ कब्र दे दे। पहली बहन जो भाई के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी, भाई के शहर में कब्र की जगह नहीं मिली। दूसरी बहन 7 साल की बुढ़िया, केदा सारा मसाब मैं पढ़िया, और मैं तो इस हद में पढ़ सकना, जो रोवे ओदी मर्जी, जो ना रोवे ओदी मर्जी। दूसरी बहन मैं आख्या 7 साल की बुढ़िया शहजादी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसे 28 रजब को घर की कनीजों ने कहा था हर बीबी परेशान है, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। सुगरा ने कहा कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ले जाना, मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं आता। जन मातम उसेरी तले करे यार, मुक गई मेरी महिले से किठ मिनट ना और पढ़ना, बाबा अकबर के बगैर। जी जी दाड़ी भर गई है जवान दी हंजुआ नाल, एदा ना ही मातम जी दादा जी नस्लां जीवन तुहाडियां। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। पढ़ दिया दादा जी। हाँ सजाद, हे जादत, दिल करता पे अबरार शाह दो शेर में पढ़ी जा। कयामत आ गई उस वक्त मदीने में जब हुसैन ने अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। बोला नहीं अकबर, बहन के महमल के नीचे आके रोया।
मेरा पुत्र तू जवान है, तू मातम पे करते हैं शाला भेड़ा का पर्दो भी घर जाके ना भेड़ा ने पूछी, अगर भाई बहन के सामने रोने लग जाए ना बहन अंदर से मर जाती है। अकबर के रोने की आवाज सुगरा के कान पे गई, महबल का पर्दा हटा के कहती अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू रोता है तो रो ना, मैं उतरती हूँ। अल्लाह जाने कैसे सवार हुई कैसे उतरी, अकबर के दामन में हाथ डाल के थी अकबर तूने मांगा नहीं, मैं उतर आई हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल ना। मातम नहीं आता तेन, चलो जेड़े मातमी बैठे हो तो हाथ मारो, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर, मैं आता हूँ ना बजड़ा बंदा इस जुमले ते मातम न कर सके हो माजत करे अली दीदी तू। एकदम अकबर के पाँव में बैठ गई, कहती शादी करना मुझे न बुलाना खैर है, सेरा किसी और बहन से बंधवाना खैर है, पल्लू किसी और बहन से बंधवाना खैर है, मेहंदी किसी और बहन से लगवाना खैर है, इतना एहसान करना मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। अकबर अपनी नहीं आता मातम होना करे ना, अकबर अपनी बारात मेरी कब्र पे ले आना, और मैं समझूंगी मैंने अकबर की शादी देखी, और मैं समझूंगी मेरे अकबर की बारात। जी जी हाथ ना बदी, हाथ ना बदी, मैं नौकर हूं जितनी मारी आखेगा मैं पढ़ागा हाथ। जी बेटा जी बेटा जी बेटा, अल्लाह अकबर, की हाल हो गया मेरे जवान पुत्र दा, अल्लाह अकबर। कहती है मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर। ये दूसरी बहन थी जो भाई के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी, अकबर के शहर में कब्र नहीं मिली। तीसरी बहन 4 साल की जख्मी सैयदादी, सारी जिंदगी मैं तेन हुक्म कौन दिता, मैं तेन हुक्मन पिया था भी अगले जुमले ते मातम करी, जे कोई दुआ रुकी तो जरूर आमीन आखसा मैं भी दूंगी, अगले जुमले ते मातम जरूर करी। 4 साल की सैयदादी है, कानों की लवे फटी हुई है, तेरे को गल मेरी समझ आई है, मैं इधर आख्या की है भाई सजाद, ये मेरा मिंबर दे खिलाफ हाथ है, एक कुरान मेरे सिर ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह, डर रहे मास्टर अंकल इस गल दा, भई बंदे मक्तल नहीं सुनदे, कान नहीं फट गए कान उतर गए सकीना, इतना मारा है शिमर ने हुसैन की इस बेटी को, इतना मारा है नहीं आता तेन मातम, इतना मारा है बाप के कातिल ने हुसैन की इस बेटी को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, जी जी चाचा जी दिन बस कर, नहीं पढ़ता मैं, लो तुहाड़ा मेरा वादा हो गया प्यो पुत्रा वाले नाम है, मैं नहीं पढ़ता, मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल की दिखाना, बंदे आते हैं बाप की शहादत पे ज्यादा रोई है मैं नहीं मानता, शाम गरीबा ज्यादा रोई है मैं नहीं मानता, 11 मुहर्रम को उस वक्त रोई है जब अकबर के कातिलों ने कतार में सर रख के कभी अकबर के सर में नेदा, कभी कासिम के सर में नेदा, कभी औन के सर में नेदा, इधर असगर के सर में नेदा उतरा, उधर दौड़ी सकीना दरिया की तरफ, आवाज आई चाचा कोई छुड़ा लो, और मेरा 6 मातम और मेरा 6 महीने। आखिरी 1 मिनट भाई, जिना जनाजा ले हमने तैयारी करो, आखिरी जुमला खत्म हो गए महिला से। ये तीसरी बहन है जो भाई के बगैर कदा न रोवे कदा न रोवे, जो भाई के बगैर जीने का सोचती भी नहीं थी। चौथी बहन कौम की मलका, शनाबाद का मोहल्ला है, तूस की पहाड़ियां हैं, खेमा लगा हुआ है, काली रात है, एक वक्त में रजा को 2 तड़पाहटे हैं, बस ये 2 तड़पाहटे तू सुन ले, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। गरीब को जहर मिला हुआ है, 20 ज़िकात को जहर मिला है, आज 3री रात है, गरीब को जहर मिला हुआ है, तूफानी रात है, बादल कड़क रहे हैं, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, जोर का अंधेरा है, और इस अंधेरे में गरीब का जिगर कट कट के बाहर आ रहा है, गरीब को बार बार खून की उल्टियाँ आ रही हैं, और गरीब ने नौकर से कहा जाओ हर समय अपने आयुन शेबानी को बुलाओ, उसे कहो
मौला बुला रहे हैं। हरसमा मेरे मौला की बारगाह में आया, मुक गई मेरी आई थी मजलिस। हालत क्या है? हरसमा के जिस्म पे एक ऐसा लिबास है जो सिपाही पहनते हैं, सर पे खोद रखा हुआ है। हरसमा कहता मौला काली रात है, दिखाई कुछ नहीं देता, डर लगा हुआ है, इतने जोर की अंधेरी है, इतने जोर का बादल कड़क रहा है। मौला इमाम का हुक्म ना होता तो मैं कभी ना आता। ये जुमला सुनने की देर थी, गरीब जमीन पे जा गिरा। आवाज है यार हरसमा जितनी रात काली हो तू मर्द तो है ना। हरसमा जितना अंधेरा हो, जितना बादल कड़क रहा हो, खत्म हो गई मेरी मेहनत, और यार तू मर्द तो है ना। हरसमा कहता मौला क्या मतलब? फरमाते मेरी उंगलियों में देख। हरसमा ने देखा मौला तू उसकी पहाड़ियां हैं, कोई बीबी है जिसकी चादर बार बार उतर जाती है, जिसने आपके घर की तरफ मुंह किया हुआ है। मौला जिस पहाड़ पे हाथ रखती है पहाड़ का रंग सुर्ख हो जाता है। आवाज आती है रजा हवा को रोक, और रजा मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। और अदादारों मैं जुमला आखिरी पढ़ रहा हूँ, जनाजा आने वाला है। यही रात थी, गरीब का जिगर कट कट के बाहर आ रहा था, गरीब का मुंह था करबला की तरफ, और आवाज आ रही थी लैतनी कुंतोख्तन मिसला कीलतल कुरैश। और काश आज मेरी कोई जैनब जैसी बहन होती। और मेरे जिगर के टुकड़े कट कट के तो मातम कर लेते हो, और मेरा जिगर कट कट के बाहर आ रहा है। और काश कोई मेरा जिगर उठाता, या अचानक एक काले बुरके वाली बीबी का हाथ आगे बढ़ा, फरमाया घबराना जैनब आए ना आए, मैं बतूल आ गई हूँ। और जहरा के बच्चे उजड़ गए, जहरा के लाल उजड़ गए, और गरीब और गोराबा का जनाज़ मात्र में उसका।